नमस्कार, स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिबेट शो देश को जवाब दो। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कि क्या पीओके में पाकिस्तान को भगाने और तिरंगा फहराने की तारीख मोदी सरकार ने तय कर दी है, क्योंकि पीओके में जिस तरह से इमरान सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने बगावत की आवाज बुलंद कर दी है, जिस तरह से भारत ने पहली बार ये साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को पीओके खाली करने के लिए कह दिया है, जिस तरह से बौखलाया पाकिस्तान आतंकी साजिशों पर उतर आया है, सब कुछ जोड़ने पर एक ही सवाल सामने आता है कि पीओके में कब तिरंगा फहराने वाला है। पाकिस्तान भी इस बात को बड़े अच्छे से समझ चुका है, इमरान खान को भी इसका एहसास हो चुका है, और इसीलिए अब इमरान के आतंकिस्तान पर आखिरी कील ठोकने का समय आ चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम करने वाले हैं बड़ी बहस। हमारे आज की बहस का सवाल भी बता देते हैं आपको। पहला सवाल, क्या पीओके से पाकिस्तान को खदेड़ने वाला है हिंदुस्तान, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट चेतावनी पाकिस्तान को दे दी गई है। क्या पाकिस्तान के फिर से टूटने का वक्त आ चुका है? पीओके जिसके ऊपर उसने कब्जा किया है वो हिंदुस्तान का होने वाला है। क्या पीओके के लोग हिंदुस्तान के साथ आने का मन बना चुके हैं, क्योंकि विद्रोह की चिंगारी इस वक्त पीओके में धधक रही है। और आखिरी सवाल, क्या पीओके हाथ से निकलता देख करके इमरान आतंकी साजिशों पर उतर आए हैं? याद होगा आज किस तरह से पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला किया, इसी के ऊपर करने वाले हम चर्चा। शुरुआत करेंगे इस रिपोर्ट के साथ। पीओके में पाकिस्तान और इमरान खान के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है, और इस बात से बौखलाए इमरान खान ने कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश को फिर से तेज कर दिया है। आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें दो जवान समेत तीन लोग घायल हो गए। इमरान खान की यह बौखलाहट सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब पीओके उनके हाथ से निकलता जा रहा है। भारत ने भी पहली बार बड़े हिसाब शब्दों में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। ऐलान कर दिया है कि भारत अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान को खाली करना ही होगा। The so-called elections in Indian territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. India has lodged a strong protest with the Pakistani authorities on this cosmetic exercise. देश के गृह मंत्री अमित शाह पीओके को लेकर मोदी सरकार के नियत का ऐलान संसद से कर चुके हैं। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? चीन के दम पर कूदने वाला पाकिस्तान अब पीओके में सीपीईसी प्रोजेक्ट तक शुरू नहीं कर पा रहा। भारतीय सुरक्षा बल एक एक कर इमरान के आतंकियों को गोली का निशाना बना रहे हैं। पीओके गिलगित बाल्टिस्तान और यहां तक कि सिंध प्रांत में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर 1947 में पैदा हुआ पाकिस्तान, 1971 में टूटा पाकिस्तान एक बार फिर टूटने जा रहा है। इसलिए आज का सवाल है, पीओके से इमरान भागे तो कश्मीर में आतंकी जागे, देश को जवाब दो। दरअसल आपको बताएं कि सोमवार को बीजिंग में जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे उनके और चीन के विदेश मंत्री के बीच में मुलाकात हुई, फिर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी किया गया, और उसी स्टेटमेंट के ऊपर भारत के एमईए की तरफ से नाराजगी जाहिर करते हुए बाकायदा चेता दिया गया कि एक तो पीओके खाली कर दो जो पहले से हमारा हिस्सा है, और दूसरा वहां पर जो नाजायज काम चल रहा है, चाइना जो सीपेक का निर्माण कर रहा है उसे भी रोक दिया जाना चाहिए। दो टूक शब्दों में भारत की तरफ से यह बात पाकिस्तान और साथ के साथ चीन को भी बता दी गई। मेरे साथ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए, सबसे पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिबात साहब, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा इकबाल सिंह लालपुरा, बीजेपी प्रवक्ता है मेरे साथ, और राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदरी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। इकबाल जी, शुरुआत में आपके साथ कर रही हूँ। पाकिस्तान को बता तो दिया गया है, आज ही नहीं इसके पहले भी कई बार चेताया गया है पाकिस्तान को, लेकिन
वो बस ऐसे ही कह दिया गया, ये ना समझे पाकिस्तान इसके लिए क्या अब अखंड कश्मीर का सपना भारतीयों का पूरा होने का वक्त आ चुका है। आप शालिनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा, हम पहले से कह चुके हैं कि पाकिस्तान को हमारा जो कश्मीर का हिस्सा है, जो उन्होंने इलीगल ऑक्यूपाई किया है, उसको खाली करना होगा। तो उसके लिए जो बात शिमला एग्रीमेंट में हुई थी, वो बात के लिए पाकिस्तान कभी तैयार नहीं हुआ। तो हम तो इनको सभी ढंग से, जैसे विदेश नीति से बोल चुके हैं कि आप इसको खाली कीजिए, ये भारत का अभंग हिस्सा है और ये भारत के पास ही रहेगा। ठीक है, माजिद हैदरी साहब आपके पास मैं आ रही हूं, क्योंकि इस देश में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी कश्मीर के मसले के ऊपर हमारी सरकार को घेरते रहे हैं। अब आंख खुल गई ऐसे लोगों की? देखिए मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पाकिस्तान के टुकड़े करने का वक्त आ गया, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए भारत को एक इंदिरा गांधी की जरूरत होगी। भाजपा की सरकार जब से हमारे देश में आई है, तब से पहली दफा है कि हमारे देश पर ड्रोनों से बम बरसाए पाकिस्तान। ये पहली दफा है कि चाइना हमारे देश की जमीन के अंदर बैठा है। ये पहली दफा है कि जिस पीओकी की आप बात करिए, वहां पर इमरान खान ने 70 वर्षों में पहली दफा इलेक्शन जीती है। ये जो तीनों चीजें हुई हैं भाजपा की वजह से हुई है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप भाजपा की तारीफ किस बात पे मैडम कर रही, कृपया मुझे समझा दीजिए। मैंने आपके सामने आंखें रखी, भाजपा की तारीफ की है? मैंने अभी तक माजिद हैदरी किस लाइन में भाजपा की तारीफ की है, वो लाइन आप मुझे बताइए जरा। देखिए आपने कहा कि वक्त आ गया है पाकिस्तान के टुकड़े होने का, मैंने तो नहीं कहा। किस सप्ताह की बात आप कर रही हैं, जिस सप्ताह में मेरे देश पर ड्रोन से बम बरसाई जाते हैं, इसमें भाजपा की बात कहां पर है? हमारे लिए कुछ करेगी वो, भाजपा कुछ करेगी कश्मीर के सपने को सच करने का क्या वक्त आ गया है, ये सवाल अगर मैं पूछ रही हूँ तो इसमें भाजपा की बात कहाँ पर है? आप चार लाइन याद करते हैं, क्योंकि आपके सपने ही गलत हैं। आप हकीकत देखिए, सपने छोड़िए, हकीकत देखिए कि हो क्या रहा हमारी धरती पर। बात कीजिए ना, फिर इल्जाम आप क्यों लगा रहे हैं? आपके पास चार लाइन ही इल्जाम तो मैं लगाऊंगा और भाजपा पर ही लगाऊंगा, क्योंकि मेरा देश अगर आज बर्बाद हो गया, अगर आज मेरे देश में सहराब नहीं आ रहा है उसकी वजह भाजपा है, अगर हिमाचल में पहाड़ पर से पत्थर गिरे उसकी वजह भाजपा है। आपकी आंख के ऊपर भी चश्मा है, आपकी अकल के ऊपर भी पर्दा लगा हुआ है, आप कान से भी नहीं सुनने का काम करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता माजिद हैदरी। मैडम मैंने आपसे कहा हमारे देश की जो इस वक्त हालत है उसकी वजह भाजपा है, अगर हिमाचल में पहाड़ पर से पत्थर भी बरसे ना लोगों पर तो उसकी भी वजह भाजपा है। क्या पहाड़ भी परेशान हो गए हैं भाजपा की सरकार से, बोलते हैं भाई इस सरकार से हमें मुक्ति दिला दो, क्योंकि हमारी जमीन एक तरफ चाइना खा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ड्रोन से बम बरसा रहा है और पीओके में इमरान खान इलेक्शन जीत रहा है जो 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। आपको समझ में नहीं आती, पत्थरों की भाषा आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है, जवाब दीजिए आप। माजिद हैदरी साहब, आपको शायद दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए। आपको 1962 का पाकिस्तान चाइना भूल गया और कितनी जमीन पे अभी तक कब्जा हुआ है ये आप भूल गया। आपने गलवान वैली में चीन को भागते नहीं देखा आप क्या? हमने पाकिस्तान को घुस के अंदर मारा है, आप किस अंदर? हम इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, हम की इज्जत करते हैं, लेकिन हमने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 1947-48 का सपना कि कश्मीर भारत का अनभिज्ञ अंग है, वो 370 हटा के पूरा किया है। जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, उनका मुझे यहाँ पे आप मत दीजिए मिसाल, वो हिंदू महासभा के लीडर थे, उनने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए आप मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आप बात मत सुनाइए। मैं आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में दे दिए बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? राजीव गांधी हिंदू महासभा के लीडर की बात मत सुनाइए, राष्ट्र है मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया।
आपको ना तो इतिहास के बारे में पता है ना, आपके भारत वो क्रांतिकारी कभी नहीं थे, वो महात्मा गांधी के साथ कभी नहीं थे, क्रांतिकारी मानते हो, क्रांतिकारी वो थे जो बीच बोया था। एक बात बताइए, हमने वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो कर ली धारा 370 कश्मीर से हटा करके, लेकिन समझना मैं ये चाह रही हूँ कि क्या ये सही वक्त है अखंड कश्मीर के सपने को सच करने का, क्योंकि अब तो कश्मीर से हमें हमें जुदा कर दो, ये बात पीओके के लोग भी कह रहे हैं, वो भी नहीं रहना चाहते आप पाकिस्तान के साथ। तो ऐसी स्थिति में क्या हर संभव प्रयास, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, या वहां के लोगों को मॉरल सपोर्ट देना कि भाई हैं हम तुम्हारे साथ हैं, पीओके के लोगों को ये मॉरल सपोर्ट देना, क्या यही वो वक्त है जब अखंड कश्मीर के सपने को हम सच कर सकते हैं? देखो शालिनी, इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चिन भारत का अटूट अंग है, और इसके लिए 1994 में रेजोल्यूशन भी पास हुआ है पार्लियामेंट में, और जम्मू एंड कश्मीर में करीब 24 की सीटें भी खाली छोड़ी जाती हैं। और अगर आप अभी देखें जो सिचुएशन, जब से हमने आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट किया है जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, पंचायत इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद रेडिकलाइजेशन किसी हद तक कम हुआ है, साउथ कश्मीर में आतंकवाद का काफ़ी हद तक सफाया हुआ है, 90 के करीब आतंकवादी मारे गए हैं 7-8 महीने में, और जो लीडरशिप है लश्कर ए तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन वो ऑलमोस्ट वाइप अप हो गई। और ऐसे में अगर आप देखें पार की तरफ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में उनकी जो हालात बहुत ख़राब है, उनके अंदर पानी, बिजली, सड़कें नहीं हैं, वो जब डेवलपमेंट देखते हैं भारत के जम्मू एंड कश्मीर में तो कहीं करीब करीब 50-60 साल पीछे रह गए। तो ये एक आवाज़ वहीं से आ रही है, वो चाहते हैं कि भारत का हिस्सा बढ़े और भारत की जो डेवलपमेंट में उनको भी मिले। देखो जब इमरान खान गए थे इलेक्शन रैली में मुजफ्फराबाद में, तो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नीलम नदी है जो उनकी मेन सोर्स ऑफ वाटर पीओके में, उसका भी मुंह मोड़ के आपने पंजाब की तरफ कर दिया, आप तो हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं और आप हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, और ऐसे में इनके पास कोई जवाब नहीं है, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऊपर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया गिलगित बाल्टिस्तान में, जिसका अभी चीन भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो हाँ। लोग इसके बहुत परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ, उनको यही लग रहा है अगर वो भारत के साथ मिलते हैं तो उनको फायदा है, तो अब मुझे लगता है ये आवाज़ वहां से आ रही है। और अब भारत जो है, एक सच्चाई बात है, भारत की जो डेवलपमेंट है वो काबिले तारीफ है जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली। हाँ। अभी जो ये डेवलपमेंट मुझे लगता है, मेरे साथ जो दो नए मेहमान जुड़े हैं उनमें से एक को नहीं दिखाई देती है, दो नए मेहमानों का परिचय भी मैं करवा देती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक अमित रैना मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा वकार भाटी जी कश्मीरी एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वकार भाटी जी आपके पास ही मैं आ रही हूँ, क्योंकि सुना होगा आपने किस तरह से एके शिवाजी बता रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी बात को लेकर के आप सरकार को घेरते रहे हमेशा से, ये डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है, और आप जो दो टूक शब्दों में भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, मुझे लगता है आपने जो एमईए के प्रवक्ता है अरिंदम बागची उनकी बात जरूर सुनी ली होगी अब तक, अब आंख खुली इसके बाद। जी मैं आप सबके सुन रहा था और यहाँ सब यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पार कश्मीर के जो लोग हैं, उस पार कश्मीर के लोग अब भारत में रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमने कब बोला कि गलत वक्त है, वो कह रहे हैं तो पहली बात उसको साबित रखिए, साबित कीजिए, इंटरनेशनल साबित कीजिए, हाल ही ना गोदी मीडिया के ऊपर साबित करने से कुछ नहीं बनता, पहली बात, क्योंकि जहां तक हम भी वो क्लिपें देख रहे हैं ना, उन क्लिपों में ये कहा जा रहा है हम क्या चाहते हैं, खुद मुख्तियारी, नो इंडिया नो पाकिस्तान, क्या दिल्ली इसको एक्सेप्ट करता है? अगर दिल्ली इस चीज को एक्सेप्ट करता है तो बड़ी खुशी की बात है, अब करें एक्सेप्ट, क्योंकि जो भी वीडियो वहां से आ रही है वो जेके एल एफ की वीडियो आ रही है, तो जेके एल एफ से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें दिल्ली के साथ नहीं रहना, हमें इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर चाहिए, तो क्या आप उनकी खुद मुख्तियारी में क्या उनकी सपोर्ट करते हैं? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप उनके ऊपर चर्चा करते हैं, डिबेट्स करते हैं, तो इस तरीके से कि क्यों इसी तरीके की कि आप जेकेएलएफ की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आप जेकेएलएफ की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप यासीन मालिक को आतंकवादी बोल रहे हैं, उसको तैयार रखा, तो ये डबल स्टैंडिंग मत करें,
क्योंकि स्टे नहीं एक होना चाहिए। बागची के ऊपर मैंने सवाल पूछा था हमारे हमारे एमईए की तरफ से, जो दो टूक शब्दों में न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी समझाया गया है, उसके ऊपर भी मेरा सवाल था, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कह पाए। सीपेक का निर्माण बंद कर दे चाइना, ये समझाया गया है भारत की तरफ से, पाकिस्तान को यह कहा गया है कि पीओके खाली करो, वो हमारा हिस्सा है, अब उसे छोड़ना होगा तुम्हें, वो तमाम बातें सुनिए आपने। मैडम जी सुनिए, मैडम जी बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, मुझे चाइना से मतलब नहीं है, मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं है, मुझे दिल्ली से भी मतलब नहीं है, प्लीज मुझे सिर्फ अपनी जम्मू कश्मीर से, अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम से, जम्मू कश्मीर के पेड़ पौधे पानी से, जम्मू कश्मीर के हर पत्ते पत्ते से मुझे मोहब्बत है और मैं इससे प्यार करता हूँ। अगर मेरा जम्मू कश्मीर में है, मेरा जम्मू कश्मीर पीस में है, तो दिल्ली को, दिल्ली वालों को भी मैं सीने से लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं दुनिया के हर मुल्क आपको पीस में नहीं दिखाई दे रहा है। अमित रैना भी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, मुझे लगता है वो बेहतर आपको जवाब दे देंगे, अगर आप कश्मीर 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 कर रहे हैं और पीस 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 कर रहे हैं, अमित रैना आपको बताएंगे। रैना साहब नहीं, देखिए पहले तो मैं वकार भट्टी को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं है। ये मुझे नहीं पता कि इनके मन में क्या लालसा रह गई है कि हर बार अपने आप को कश्मीरी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इस कार्यक्रम में अगर दो ही लोग कश्मीरी हैं तो मैं हूं और शायद और दूसरे माजिद हैं। वकार भाटी साहब, जम्मू बहुत ही सुंदर एरिया है, जम्मू कश्मीर का बहुत सुंदर प्रांत है और आपको गर्व होना चाहिए अपने रीजन पे। तो ये दूसरी आइडेंटिटी क्यों लेना चाहते हैं आप, भगवान जाने। जहां तक अगर दूसरी बात है कि आपने पाकिस्तान के जो वीडियो देखे हैं, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के, पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के, उन वीडियो में मोदी जिंदाबाद भी आया है। तो अगर आज JKLF मोदी जिंदाबाद कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बदलाव है। तो ये आधे आधी अधूरी बात ना सुना करें, पूरी बात सुना करें। तीसरी बात है, जो अभी MEA का स्टेटमेंट आया है, मुझे लगता है पहली बार भारत सरकार ने इतना स्ट्रांग मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पाकिस्तान को भेजा है अपने इलाके को लेकर। हमारी हमेशा सरकार से नाराजगी रही है कि आप सिर्फ बात नहीं करते हैं POK की, आप अपने लोगों की बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक बड़ा कदम है और ये कहीं ना कहीं संकेत भी देता है कि अगला कदम जो है पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर को वापस लेने का है। फिर बात कर रहे थे माजिद हैदरी साहब, माजिद हैदरी जी आपको हंसी क्यों आ रही है, पहली बात। दूसरी बात देखिए मैडम, ये पाकिस्तान बहुत ही सीरियस विषय है, इस पे इतना स्पष्ट मैसेज, इतना कठोर मैसेज सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, इसमें हंसने की बात क्या थी। देखिए मैडम, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे को लगता है कि वहां के लोग चाह रहे हैं कि वो भारत के साथ मिले, तो क्या चीज रोक रही है भाजपा की सरकार को? क्या ये शेरो शायरी है? क्या MEA ने उनके लिए शेर लिख दिया? आज वो शेरो शायरी सुना रहे हैं पाकिस्तान को? भाई अगर करना है तो करके दिखाओ, कर्मा तो कर्मा करके दिखाना है, सिर्फ आप तर्क 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 बातचीत में लगे रहेंगे, कुछ करके दिखाओ ना। अगर कर्म है क्या होता है माजिद हैदरी साहब, माजिद हैदरी साहब, कर्मा कर्मा सिर्फ युद्ध नहीं होता है। अगर आप जिस कर्मा की बात कर रहे हैं, अगर आपको कर्मा का इतना सा भी ज्ञान होगा ना, तो उसी कर्मा के भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध इज द लास्ट ऑप्शन, तो उससे पहले हर हर तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उस युद्ध में आप भी मारे जाएंगे और भगवत गीता जो है हिंदू है वो भी मारे जाएंगे। गीता में क्या हमें सबक मिलता है? भगवत गीता में सबक ये मिलता है कि कृष्ण भगवान ने कहा भगवत गीता में सबक पड़ती है और किसी में नहीं मिलता है, भगवत गीता में ही सबक मिलता है और कहीं सबक नहीं मिलता। आप सुनिए मेरी बात पूरी। दूसरे जो आपको, आप ये जो फजूल की बातें करे जा रहे हैं, इंदिरा गांधी के टाइम ड्रोन अटैक नहीं हुआ, मतलब कैसी कैसी बात, मतलब तुक तुक का कोई इलाज ही नहीं है, तुक तो बिठाइए कम से कम। इंदिरा गांधी के टाइम पे ड्रोन था, इंदिरा गांधी के टाइम पे ड्रोन अटैक नहीं हुआ जी, उस समय चाइना ने अटैक नहीं किया। अरे नेहरू जी बैठे थे, चाचा चाचा नेहरू अक्षय जी लेकर बैठे हुए, अक्षय जी के पड़ोसी क्या था, अक्षय जी तो हमारा ही था ना। बीच में लाना पड़ेगा एके शिवाजी, देखिए इसके पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या हमें हर संभव मदद, उसमें मैंने पॉलिटिकली चीजों को जोड़ा था, डिप्लोमेटिक तरीके को जोड़ा था, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन को मैंने नहीं जोड़ा था। क्या मिलिट्री ऑप्शन के ऊपर विचार करना चाहिए या अभी डिप्लोमेटिक तरीके से या पॉलिटिकली आगे बढ़ना चाहिए? देखो हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली और बाकी ऑप्शन भी,
ऐसा नहीं है कि मिलिट्री ऑप्शन कोई नहीं है, मगर उसको अपनाना ना अपनाना अलग बात होती है, ऑप्शन एक अलग चीज है। बट पर मैं ये बताऊंगा कि मिलिट्री ऑप्शन से पहले आपके पास बड़े और ऑप्शन हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकली आप आइसोलेट करें, आप लोगों का मन जीतें और वहां से आवाज आनी चाहिए। तो ये हो रहा है अभी। और जो बात अभी रैना साहब भी करने की कोशिश कर रहे थे कि अभी काफी जो स्टेटमेंट भी भारत ने दी है वो बड़ी स्ट्रांग है, और साफ बताया कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इल्लीगल है, वो आपकी कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है उस इलाके की, वो गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं चीन भी बैकफुट पे है अभी। और इसी प्रकार से जो हमने इलेक्शन हुए हैं पीओके में, हमने बोला कि आप ये फॉर्स फ्रॉड इलेक्शन और ये रीग तो है ही, मगर आपका कोई लोकल स्टैंड नहीं है, ये तो जो पीओके का हिस्सा है ये तो भारत का हिस्सा है। तो ये जो बातें हम बता रहे हैं, आज क्या था पहले जमाने में हम थोड़े डिफेंसिव थे, आज कहीं तो पाकिस्तान को भी लग रहा है कि उनको ये इलाका घूमेगा। तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन आप कह रहे हो मिलिट्री ऑप्शन, देखो हर चीज का टाइम होता है, जब वो टाइम होगा हो सकता है वो ऑप्शन भी अपनाएं, मगर ये ऑप्शन एक लास्ट ऑप्शन होती है और लड़ाई से पहले बहुत ऑप्शन होती हैं, उनका अपनाना चाहिए। मगर हमारे पास हर एक ऑप्शन है, क्योंकि ये भारत का अटूट हिस्सा है। मैडम भारत का, भारत का मंत्र रहा है चटमंगनी पट गया, ये चटमंगनी पट गया का मामला है, जब लोग तैयार है तो करती है हमला। इकबाल सिंह लालपुरा के साथ मैं शुरुआत करूंगी कि क्या चीज रोक रही है। साफ संदेश तो दे दिया गया पाकिस्तान को, चाइना को भी साफ संदेश दे दिया गया, लेकिन ये दोनों टेढ़ी बुद्धि वाले लोग हैं, समझाया जाएगा कैसे। छोटा सा ब्रेक जारी है, उस पर भी देश को जवाब दो। स्वागत है एक बार फिर से आपका देश को जवाब दो में। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़े और साफ शब्दों में यह समझा दिया है कि पीओके खाली कर दो, ये हमारा हिस्सा है। मेहमान मेरे साथ इस वक्त बने हुए इकबाल सिंह लालपुरा, आपके पास मैं आ रही हूं। सर हमने कह तो दिया, कड़े शब्दों में हमने कह दिया, लेकिन पाकिस्तान और चीन, इन दोनों को समझाना क्या वाकई इतना आसान है? देखो जब भी शाली जी समय आया है, पाकिस्तान को तो अकल आई है, चाहे वो 1948 हो, 65 हो, 71 हो या कारगिल हो। ये जो भाई बात करते हैं, इनको शहर जम्मू कश्मीर के इतिहास का ज्ञान नहीं है। ये 200 साल से पहले सिख राज का हिस्सा रहा, और उसके बाद ये शहर महाराजा रणजीत सिंह को और हरि सिंह नलुआ को भूले नहीं होंगे। उसके बाद ये डोगरा स्टेट के पास आया, तो महाराजा हरि सिंह का जो फैसला था वो पूरा कश्मीर और जम्मू भारत के साथ रहेगा, ये ऐसा फैसला था, लद्दाख भी उसमें शामिल था। और ये अंतिम है। उसके बाद जितनी बार भी पाकिस्तान ने ऐसी कुछ गुस्ताखी की है तो उसको मुंह के भी खानी पड़ी और नुकसान भी कराना पड़ा। अब इनको समझाने का जो रास्ता, जनरल साहब बोल रहे थे कि चुकार अज हमा हिलते दरगुदस्त हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त, जब और सारे वसीले खत्म हो जाए तब हथियार उठाना जायज है। अभी डिप्लोमेटिक और जो अंतरराष्ट्रीय कवायद है, असूल है, नियम है, हम उन पे चल के इनको वार्न कर चुके हैं कि हमारी जगह, हम इसको शुरू से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं जी। तो जो पाकिस्तान को तो अपना ऑक्यूपेशन नजायज जो कब्जा है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, ये हम इनको दो टूक एक शब्द में हमने बता दिया है और इस पे पूरी तरह अमल भी होगा। ठीक है, वकार भाटी साहब, इतिहास आपको पढ़ा दिया लालपुरा जी ने, वो आपको समझ में भी आया? जी इनका समझ आया, इनका इतिहास है, रात को सपने में देखते रहते हैं ऐसे इतिहास को। हम तो जो हकीकत में है, हम उससे इतिहास की बात करेंगे। अब चुप करके सुन लीजिए मैडम जी, शालिनी मैडम, क्योंकि स्काइप में अगर दूसरा बोलता है तो फिर आवाज क्लियर नहीं आती है, फिर फायदा नहीं है जो ऑडियंस हमें सुनना चाहती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पे मैडम जी आपके टीवी चैनल पे हमेशा एक इल्जाम लगता है, मैं उसको भी पहले क्लियर कर देता हूँ कि वकार एज बट्टी कश्मीरी नहीं है। मैं बता देता हूँ मैं कश्मीरी कैसे हूँ। जम्मू कश्मीर एक रियासत है, जम्मू कश्मीर की एक अपनी पहचान है। मैं जहां इस टाइम बैठा हूँ वो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर का दिल, और श्रीनगर दिल है। पीर पंजाब
राइट साइड है, राइट बाजू चुनाव वैली, लेफ्ट लद्दाख। अमित रैना को सामने लाया है, अमित रैना और वकार भाटी, क्योंकि उनकी तरफ से ये इल्जाम लगाया गया था। भाटी साहब कंटिन्यू कीजिए आप। मैं चाहता हूँ असली था साहब सीखे मेरे से। मैडम जी अगर ये नहीं सीखा तो आपने क्या सीखा जम्मू कश्मीर से? तो जो बेवकूफ तर्क देते हैं ना कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ, तो उन बेवकूफों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से वकार एच भट्टी भागा नहीं है तड़ी पार होके, यहाँ लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, सोसाइटी के लिए लड़ रहा है, ड्रग्स के अगेंस्ट लड़ रहा है। आतंकवादी पाकिस्तान से फोन आते मेरे को नहीं आते, पाकिस्तान से फोन मेरे को नहीं आते, वकार भट्टी साहब पाकिस्तान से फोन मेरे को नहीं आते, पाकिस्तान से किसको फोन आते हैं दुनिया को पता है? हाँ समझ गए आप, तो ये पाकिस्तान से कौन बातचीत करता रहता है वो भी बता दीजिए आज। पाकिस्तान से बातचीत क्यों उठा उठा के पुलिस आपको जेल में डालती रहती है वो भी बता दीजिए आज। क्या कैसे ऐसे क्या काम करते हैं आप साल में छह महीने जेल में होते हैं? बताइए फिर आप उनके उनकी बातों का जवाब दीजिएगा। हिंदुस्तान से पाकिस्तानी कैसे नहीं उठा के रखे? नहीं, अगर मैं पाकिस्तान किसी से बात करूं तो मैं आतंकवादी? नहीं नहीं, अगर जी हिंदुस्तान आपका डेजिग्नेशन चला रहे हैं सर। रैना साहब सुन रहे हैं, भाटी जी को पहले सुनते हैं। भाटी जी बताइए, क्या आपकी राय क्या है सर? सीधे पॉइंट पे आइए आप बताइए। पॉइंट पे मैं ही आ रहा हूँ ना, एक पर सी बात है। आप पाकिस्तानी से बात करते हो, आप फलस्तीनी से बात करते हो, भाई बात करने में क्या होता है? सवाल करने के लिए वो कह रहे थे पाकिस्तान फोन आता है सर, थोड़ी दीजिए बात भी तो की जाती है ना। और रही कश्मीर की बात मैडम शालिनी जी, रहा जम्मू कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर को वो लोग ना बताएं कि जम्मू कश्मीर में ये होगा, ये नहीं होने वाला, ये होने वाला है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं ना उनको पता है असली जम्मू कश्मीर क्या है और जम्मू कश्मीर के लिए आगे आने वाला फ्यूचर कौन सा आने वाला है। अगर आपको उस पार कश्मीर लेना है तो प्लीज जाइए, हम कह रहे हैं जाइए करिए युद्ध लीजिए वापस। ये तो नहीं होगा ना पाकिस्तान प्लेट में डगा लेके आपको देगा ले जाइए पीओ के। नहीं मैं समझ नहीं पा रही हूँ, भाटी साहब आप भी, माजिद हैदरी आप भी, आप दोनों ये युद्ध 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 क्यों कर रहे हैं? आप युद्ध चाहते हैं? इसलिए कर रहा हूं कि मैं 72 साल से, और माजिद हैदरी युद्ध चाहिए आपको? युद्ध 72 साल से हो रहा है। ये भारत वर्ष को भगवान श्री राम की धरती माना जाता है और भगवान श्री राम ने कहा है कि जब शत्रु आपकी धरती पे आए तो उसको उसकी लंका समेत जलाओ। अच्छा, मैं आज आप लोगों को, मैं मुसलमान होकर आपको हिंदू धर्म याद दिला रहा हूँ, उनको याद दिला रहा हूँ जो हिंदू धर्म के नाम पे सियासत करते हैं। ठीक है, भगवान श्री राम का मंत्र भूल जाते हैं ये लोग और भगवान श्री राम के नाम पे सियासत करते हैं यहाँ। श्री राम ने और भी बहुत सी चीजें कही है, वो आप सब उसका पालन करते हैं क्या? माजिद हैदरी जी सुबह से रात तक आप उसी का पालन करते हैं क्या? देखिए मैडम, जंग जब शत्रु है, पाकिस्तान शत्रु है, हमारी धरती पर है, तो उससे जो भगवान श्री राम का जो पाठ है उसके मुताबिक जंग करनी है शत्रु से। अच्छा, नहीं नहीं मैं तो बस क्या रामायण से कुछ नहीं सीखते, मैं आपको रामायण भगवान राम का जिक्र आपने किया है, अमित रैना साहब आपको गीता में क्या लिखा है फिर मैं भी बता देते हैं। रैना साहब आपका, ये तो बोलिए कि आप भारतीय हैं। नहीं नहीं, देखिए देखिए, ये 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 माजिद हैदरी साहब, अगर अपने धर्म का ही पालन ठीक से कर लें तो शायद कश्मीर के हालात सुधर जाएं, बाकी धर्मों पे तो आप छोड़ दीजिए। आशा करता हूँ आप अपने धर्म का ही पालन ठीक से कर लें। करते होते तो 5 लाख हिंदुओं को नहीं निकाला होता, 5 लाख हिंदू आज कश्मीर के जो हालात है वो नहीं हुए होते। दूसरे ये वकार भाटी साहब अपने आप को चिनाब वैली ये वैली वो वैली कर करके कश्मीरी बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो बहुत सही बात है, और इसी प्रयास को थोड़ा आगे बढ़ाकर अपने आप को भारतीय भी कहना शुरू कर दे। अगर उस व्यक्ति से जो साल में 6 महीने जेल में रहता है सेडिशन के केसेस में एंड सरकार के खिलाफ एक्टिविटीज में, लोगों के खिलाफ एक्टिविटीज में पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे सुधार दे, तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। माजे दादी साहब आपको एक चीज और बताता हूँ, आप और आपके नेता चीन को बहुत बड़ा देश मानते हैं, बहुत बड़ा देश मानते हैं, यहां तक कि आपके नेता फारूक अब्दुल्ला ने तो आह्वान कर दिया था चीन का कि आइए 370 वापस लाइए। उस चीन का एक डिस्प्यूटेड एरिया है
जिसे ताइवान कहा जाता है। चीन एक बहुत शक्तिशाली देश है और चाहे तो एक दिन में उस पर कूच कर सकता है, मगर नहीं करता है क्योंकि युद्ध जो है वो लास्ट विकल्प होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि युद्ध नहीं करना चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो उन पाकिस्तानियों की गर्दन भी काटेंगे। 71 में किया ना युद्ध, किया ना, तो एक लाख पाकिस्तानियों को, 1 लाख पाकिस्तानियों को घुटने का बल बताया हमने, 1 लाख पाकिस्तानियों को उनकी गर्दन भी काटेंगे। ये 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 गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये भगवान राम की भूमि और श्री कृष्ण की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है। हमें पता है गर्दन कब काटनी होती है और कैसे काटनी होती है। तो आप अगर आपका मन तड़प रहा है पाकिस्तानियों की गर्दन कटवाने के लिए तो काटेंगे, मगर उसका समय जब आएगा, जब लगेगा कि कोई और विकल्प नहीं है, तब कटेगी उनकी गर्दन। इस्तेमाल होना चाहिए, मुझे लगता है सिबात साहब से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। सिबात जी, अभी फिलहाल पीओके को किस जगह आप देख रहे हैं, कश्मीर को किस जगह आप देख रहे हैं, और भारत सरकार की जो रणनीति कश्मीर और पीओके के ऊपर दिखाई दे रही है उसके ऊपर आपका कमेंट सिबात जी। शालिनी, पहले भी मैं बता चुका हूँ, हर ऑप्शन अवेलेबल होती है, मगर अभी जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ऑप्शन जो है आप देखें उसका बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। और आज देखें पाकिस्तान के हालात क्या है, उसके पास 120 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है और वो बिल्कुल टूटने के कदार पे है। और ऐसे जो जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ गया तो कल तो वो चीन का एक प्रकार से एक्सटेंडेड स्टेट बन जाएगा, जिस प्रकार से हवनटोटा में श्रीलंका का हुआ, ऐसी हालत होगी। क्योंकि आज उनके पास कर्जा देने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है, इन्फ्लेशन रेट 20% है, अनएम्प्लॉयमेंट 38% है पाकिस्तान में, फॉरेन रिजर्व जो है 7 बिलियन डॉलर है, अफगानिस्तान से भी कम है। तो ऐसे हालात में इकोनॉमिकली वो टूटने वाला है, और ये जो 4 हिस्से तो उसके वेट से हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब, और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान तो एक मिनट चक्की में पीसे जा रहे हैं, उनको तो वैसे ही सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, वहां तो कोई फ्रीडम नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है आवाज वहीं से आएगी और हमें बेस्ट पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ही इस पे प्रेशराइज करना है। मगर भारत के पास सभी ऑप्शन अवेलेबल है, वो टीवी चैनल पर डिस्कस नहीं हो सकती, मगर मैं यह कहूंगा कि सच्चाई ये है कि आज जो पाकिस्तान है, जिस प्रकार से वो कार्रवाई इवन अफगानिस्तान में कर रहा है, अफगानिस्तान ने भी उसको शीशा दिखा दिया कि 10,000 के करीब आतंकवादी भेजे हैं लश्करे तोबा जैसे मोहम्मद के, और अफगान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, उन्होंने बताया कि देखो ये हो रहा है, और उसके बाद उनका एक ही मकसद है कि भारत ने जो इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में उसको बर्बाद करना। तो एक प्रकार पाकिस्तान का चेहरा पूरे वर्ल्ड को पता लग गया है कि आज वो एक आतंकवाद का गढ़ है, वहां पर 30,000 से 40,000 आतंकवादी घूमते हैं, और आज वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो आतंकवाद उसने पैदा किया था आज उसका वो विक्टिम है, आज वो एक प्रकार बिल्कुल बिल्कुल। और बीते कई सालों से पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, इसका सबूत है एफएटीएफ में उसका ग्रे लिस्ट में होना। भाटी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, भाटी जी फटाफट से बोलिए, फिर मुझे इकबाल सिंह का रुख करना है, बोलिए जी। शालिनी जी थैंक यू सो मच, एक बार फिर आपने मुझे टाइम दिया, लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो आप हमारे गेस्ट हैं, आपके गेस्ट जी हिंदुस्तान की, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले इनको ये छोटी सी बात समझा दीजिए, 370 5 अगस्त को जब हटाया गया, 2019 5 अगस्त को जब 370 35A जम्मू कश्मीर से हटाया गया, जम्मू कश्मीर की आवाम को जेल बंद कर दिया गया, तो वो जम्मू कश्मीर कंट्रोल था भारत के, वो भारत के कंट्रोल था, भारत की यहाँ 90 लाख फौज थी, पुलिस थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, एजेंसियां थी, सरकार थी। उस बार जो कश्मीर है उसमें कंट्रोल पाकिस्तान करता, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वहां कंट्रोल करती है। तो जो सपना आपने देखा था श्रीनगर को आर्टिकल हटाने के लिए, जम्मू कश्मीर को जेल बंद करके आर्टिकल को हटाया था, तो वो सपना बार बार ऐसे सपने क्यों देख रहे हो उस कश्मीर के लिए भाई? वहां फौज से लड़ना है, वहां उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ना है, तो अगर लड़ना ही है तो हमने नहीं मना किया। मैं वकार बट्टी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी से ये कह रहा हूँ, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से कह रहा हूँ, खुदा की कसम, हमें रब की कसम कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आप कौन है जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से कहने वाले? जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से कह रहा हूँ, 10 इलेक्शन तो लड़ा नहीं जाता आपसे, जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से कह रहा हूँ। आप है कौन जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से कहने वाले? मैं कौन हूँ? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से कह रहा हूँ। मैं कौन है? कौन है आप?
कौन है, कौन है आप, कौन है आप, है कौन आप? हमारे हमारे नुमाइंदे इलेक्शन में चुने गए हैं, डीडीसी में है, पंचायत में है, ठीक है, बीडी ब्लॉक डेवलपमेंट में है, हमारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, आप कौन है? मैं जी जम्मू कश्मीर की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं कौन खाम, कौन है आप? जम्मू कश्मीर की लाखों लाखों नौजवान, चार लोग तो आपके पास है नहीं, मैं बोल रहा हूँ, कौन है आप बताइए, आप कौन है? ऐसी जगह हो कौन मिलने नहीं आएगी, तो जिसको प्यार दिया जाता है, जिसको इज्जत दी जाती है, जिसको सुना, आप है कौन? आप हिस्ट्री शीटर के साथ लोग कब से होने लग गए, हिस्ट्री शीटर के साथ लोग अच्छा होने लग गए। निवर भाटी साहब रहना जी जो कह रहे हैं उनकी बात में दम तो है ना भाई, डीडीसी इलेक्शन हुआ है, वहाँ कमाल चीजें हैं, लोकतंत्र के हिसाब से आगे बढ़ रही है, फिर तय भी वही करेंगे। आतंकवादी लालपुरा जी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, इकबाल सिंह लालपुरा मुझे लगता है सबसे बेहतर ढंग से आपको जवाब भी देंगे। इकबाल जी बात नहीं आता, जैसे पीछे डेमोक्रेसी आई है उसने लोगों ने फर्स्ट क्लास जैसे मैं भागे जवाब दे दिया। अरे भाजी चुप कर, तू तो 3 महीने तेरा में तू पहले ये बता तेरी नेशनलिटी क्या है, बात कर चुके हैं मेरे जम्मू कश्मीर, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेशनलिटी, योर एंसेस्टर्स, तेरे एंसेस्टर कौन है और तेरी नेशनलिटी क्या है, किसकी कहां से आया है तेरा ये पार्टी, मैं वेयर हैव यू कम, मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, जम्मू कश्मीर का कश्मीर हमारा भारत के नागरिक है, जम्मू कश्मीर समझ गए, जो भारत का आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक है, जम्मू कश्मीर के निवासी है, जिसका खाता है समझना उसी को इज्जत देनी होती है, को भी नहीं चाहिए मुझे ये मिट्टी वापस देनी, ठीक है, मेरी इज्जत इतना खराब हो रहा है, सो के लिए शाबाश, अरे खाना बनाई है भारत का, ये मेरे भाने मेरे लिए बनाई, ये मेरा खाना, मुझे लगता है पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, और भाटी साहब के ऊपर इस तरह से अगर अटैक हम ना करें तो ही बेहतर होगा, तो ही बेहतर होगा, लेकिन इतना जरूर है। रैना जी क्लोजिंग कमेंट्स में आपसे लेना चाहूंगी, वक्त मेरे पास बहुत कम है, मुझे लगता है आप बेहतर ढंग से समझते हैं, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया, ठीक उसी ढंग से पीओके से वहां के बाशिंदों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, वो दर्द आप बेहतर समझते हैं, और इसीलिए ये भी ठीक ढंग से आप समझ पाएंगे कि वहां अमन चैन स्थापित करना वैसे ही जैसे हमारे कश्मीर में कितना जरूरी। क्लोजिंग रिमार्क रैना साहब, आपका कश्मीर कहां से मैडम जी? मेरा ही कश्मीर है वो भाटी साहब, कर रहा था भारत का हिस्सा मेरा है, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं नोएडा में बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर आपका हो गया रैना साहब, आपका कश्मीर है यहाँ, नहीं नहीं मैं ये मैं उम्मीद कर रहा था कि आज मेरे साथ जो जम्मू कश्मीर के दो पैनलिस्ट और बैठे हैं, हम तीनों एक ही बात करेंगे कि जो हमारे भाई बहन एलओसी के पार है उन्हें कैसे न्याय दिलाए, उन्हें कैसे तरक्की की राह पर लाए और कैसे उस एरिया को वापस लाया जाए। पिछले साल ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को सिडिशन केस में पाकिस्तान ने अंदर कर लिया, गिलगित बाल्टिस्तान में पंजाबी बिठा के जो वहां की एथनिक पॉपुलेशन है उसको 40% कर दिया, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आज कश्मीरी बोलने वाला नहीं बचा है, और ये बैठ के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार अब सरकार ठीक है, बहुत शुक्रिया रैना साहब जी, वक्त मेरे पास कम है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को भी अक्ल आएगी, जरूर अकल आएगी, क्योंकि भारत ने अब सीधा साफ संदेश और कठोर संदेश न सिर्फ पाकिस्तान को दिया है बल्कि चीन को भी दिया है, पाकिस्तान को ये पीओके में चुनाव कराना तुम्हारा गलत है और पीओके छोड़ दो वो हिस्सा हमारा, और चाइना को ये कि वहां पर जो निर्माण कार्य तुम करा रहे हो वो हमारे भूभाग पर करा रहे हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर मैं रुक रहा हूं, खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है, बने रहिए और देखते रहिए जी हिंदुस्तान।